So guys, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं iQOO के Z5 5G डिवाइस के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग फाइल्स कहां सेव होती है, एंड गाइस आप उसे कैसे सुन सकते हैं, इवन किसी को शेयर करना है तो किस तरह से हम शेयर कर सकते हैं, एंड काफी लोगों के कमेंट से भी होते हैं कि हम पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग को कैसे सुन सकते हैं, ओबी सीजन देखेंगे। फिलहाल थोड़ा सा डेमो करते हैं एंड आपको दिखाते हैं कॉल रिकॉर्डिंग फाइल्स कहां सेव होती है। गाइस, फोन के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग फाइल्स को देखने के लिए सबसे पहले हम अपने डायलर को ओपन करेंगे। ये हमारा डायलर है, एक बार इसको प्रेस करेंगे एंड एज ए एग्जांपल मैंने यहाँ पर डेमो के लिए 198 की एक कॉल रिकॉर्डिंग करी हुई है। तो जो कॉल रिकॉर्डिंग्स होती है वो फाइल मैनेजर में तो नहीं जाती है गूगल डायलर के अंदर करी हुई, बट अगर आप इसके डायलर को रिप्लेस करते हैं, ओल्ड डायलर कर लेते हैं, तो ये जो है कॉल रिकॉर्डिंग्स फाइल मैनेजर में आपको देखने को मिलेगी। तो जाती कहाँ है, एक बार इसको यहीं पर प्रेस करना नंबर्स को। रिसेंटली जो कॉल रिकॉर्डिंग आपने करी हुई होती है वो यहीं पर दिख जाती है, जो रिकॉर्डेड मिल जाती है यहीं पर प्ले बटन का ऑप्शन मिल जाता है। इसको हिट करेंगे तो रिकॉर्डिंग सही से सुन सकते हैं, इसको एरो को प्रेस करेंगे तो स्पीकर में आप इसको सुन सकते हैं, एंड साथ में आपको शेयर बटन दिया गया है इसको प्रेस करके शेयर कर सकते हैं, एंड राइट साइड में डिलीट बटन भी है, आप इसको यहीं से डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये चीजें आप कर सकते हैं यहाँ गूगल डायलर से। बट गाइस, मैंने बताया था मैं बताऊंगा पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग कैसे देखेंगे, उसके लिए एक ऑप्शन होगा हिस्ट्री का, एक बार आप प्रेस करेंगे जितनी बार आपने इस नंबर्स को डायल करा होगा वो दिख जाएगा, एंड ये फ्राइडे का यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग आपको मिल जाता है। लिस्टन टू रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है एंड पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर देख सकते हो, एंड प्रोसीजर सेम मिलता है, आप इसको शेयर भी कर सकते हो, इवन डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने फोन के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग फाइल्स को देखेंगे। आई थिंक गाइस समझोगे कॉल रिकॉर्डिंग फाइल्स को कैसे देखा जाता है एंड कैसे सुना जाता है, एंड हिस्ट्री वाला ऑप्शन चूज करके पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग कैसे सुनेंगे, वो सारी चीज समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई कंफ्यूजिंग होती है इसके रिगार्डिंग आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।